हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ते आदाब, ते नमस्कार, ते वनकम, ते तुहाडा अपना डॉक्टर और जो किसी से डरता नहीं है, आज आपके सामने ला रहा हूँ एक ऐसा सनसनीखेज होने वाला है आज का टॉपिक, और खूब गालियाँ पड़ने वाली है मुझे कुछ डॉक्टरों से। लेकिन इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और जिस तरह से लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं इन ठगों के चक्कर में आके, ये बताना बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखिएगा, और सब डर का खेल है, कैसे डर के खेल में आप बेवकूफ़ बन जाते हो बताता हूँ। कहीं मत जाइएगा, और जाएंगे भी तो फिर लौट के आपको यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। हाय दोस्तों, कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं। जी हाँ, और स्पेशली कोविड के बाद लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डर चुके हैं, क्योंकि इतने हार्ट अटैक, इतनी सडन कार्डियक डेथ हम लोग देख रहे हैं और देख चुके हैं। और सबसे बड़ा इशू ये है कि एक आम आदमी को पता नहीं होता कि उसको इस समय जो प्रॉब्लम हो रही है, चाहे उसको घबराहट हो रही है, पेट में गैस बन रही है या छाती में दर्द हो रहा है, कि क्या ये हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, और वो जाता है अपने आसपास के डॉक्टर्स के पास, कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता है, कोई जनरल डॉक्टर के पास चला जाता है, कोई फिजिशियन के पास चला जाता है, कोई एमडी मेडिसिन के पास चला जाता है, और वहाँ से शुरू होता है खेल खिलाड़ी का, खेल डर का। आज का टॉपिक है दिल के ठग और दिल्ली के दिल के ठग। जी हाँ, दिल के ठग और दिल्ली के दिल के ठग। इस तरह के ठग पूरे हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं, लेकिन मैं आज एक स्पेशल इंसान की बात करूंगा। किसी कारणवश मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी लीगल प्रॉब्लम से जितना बच के रहे उतना अच्छा है, डरता लेकिन मैं किसी से नहीं हूं। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास टाइम रहे और काम करने का, इसलिए। लेकिन जब वक्त आएगा तो सामने आके नाम भी बताऊंगा, हालांकि आप बहुत सारे लोग जज कर लोगे उस नाम को। पहले बता दूं कि आपको प्रॉब्लम होती है, आप आसपास के डॉक्टर के पास जाते हो, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, फिर बता दूं ये वीडियो चंद डॉक्टर्स के बारे में, इसको सब डॉक्टर के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। अच्छे बुरे डॉक्टर, अच्छे बुरे पेशेंट, अच्छे बुरे मेडिकल फैटर्निटी, मेडिकल हॉस्पिटल, सब यही है। मैं जब बात करता हूँ इस तरह के गोरख धंधों की, तो ये चंद डॉक्टर्स के बारे में बात करता हूँ। आज की बात एक बहुत बड़े डॉक्टर्स के बारे में है, उसके बारे में फिर बताऊंगा। पहले बता दूं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास, और कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, किसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, सबसे बड़ा इशू ये है। एनएमसी की गाइडलाइंस हैं कि अगर आपके पास डीएनबी कार्डियोलॉजी या डीएम कार्डियोलॉजी की डिग्री है, तभी आप कार्डियोलॉजिस्ट लिख सकते हो अपने नाम के आगे, लेकिन यहां हर कोई लिख देता है। पहले हम लोग एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस के बाद एमडी मेडिसिन या डीएनबी मेडिसिन करते हैं, उसके बाद जाके कार्डियोलॉजी में डीएनबी या डीएम कार्डियोलॉजी करते हैं। तो तीन स्टेप हैं, पहले एमबीबीएस किया, फिर एमडी या डीएनबी मेडिसिन करी, उसके बाद आप जाके कार्डियोलॉजिस्ट बनते हो तीसरे स्टेप में जाके। यानी कि कितने साल लग जाते हैं, कम से कम 14-15 साल। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि सारे डॉक्टर प्रोफेशन में ऐसा है कि कुछ आपको कहते, कुछ मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं, है ना, एक मछली, सॉरी। तो वही हाल है कि मैं आज एक बड़ी मछली की बात करने जा रहा हूँ, एक बड़े मगर की बात करने जा रहा हूँ, जो आपको बेवकूफ बना रहा है। सारा डर का खेल है, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे गलती दो लोगों की है, एक वो जो डर दिखा रहा है, दूसरा वो जो डर को भगाने की बात कर रहा है। दोनों ही आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक वो जो डर दिखा रहा है, दूसरा वो जो आपको के डर को भगाने की बात कर रहा है कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, आप मत कराइए ये सब प्रोसीजर। तो दोनों ही आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं। किस तरह से बताता हूँ। पहले आप
को प्रॉब्लम हुई, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला जी आपका ईसीजी थोड़ा डाउटफुल है, हमें एक इको करके देखना पड़ेगा। इको कर लिया, फिर बोला कि नहीं यार इको टीएमटी कर लिया, फिर स्ट्रेस इको कर लिया, है ना। तो उसमें बोल दिया जी आपको कुछ डाउट है, हमें अब हमें एंजियोग्राफी करके देखनी पड़ेगी। आपने कहा ठीक है जी वो भी करके देख लो। अब यहाँ पे दो तीन बातें हो सकती हैं कि स्ट्रेस इको की सफलता सिर्फ 70% है, 70% एक्यूरेट टेस्ट आते हैं, टीएमटी 65% के आसपास है, ईसीजी 1/3 केसेस में, इन्हीं सब का अब रिपोर्ट देने को आप टीएमटी, एक डॉक्टर बोलेगा ये टीएमटी नेगेटिव है, दूसरा बोल देगा ये वीकली पॉजिटिव है, तीसरा बोल देगा ये पॉजिटिव है, आप किसकी मानोगे? आप तो डॉक्टर नहीं हो, आपको माननी पड़ेगी आपके डॉक्टर ने बोल दिया टीएमटी पॉजिटिव आ रहा है। अब उसने स्ट्रेस इको भी बोल दिया कि यार थोड़ा डाउटफुल है जी आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। यहाँ पे गलती क्या हुई कि यहाँ अब डॉक्टर में दो प्रॉब्लम हो सकती है कि एक डॉक्टर की नॉलेज ही अधूरी है, उसने टीएमटी को सही से रीड नहीं किया या सही से नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो जानबूझ के कर रहा है, लेकिन दोनों ही चीजों में आपके मन में डर बैठ गया, उस डर का फायदा उठा के अब वो कह रहा है जी एंजियोग्राफी कराओ। जबकि मैं बोलता हूँ कि सीटी एंजियोग्राफी करा लो इन हॉस्पिटलों में जाने से पहले, है ना, क्योंकि एक बार लेट गए तो लेट गए, फिर तो लेट ही गए, फिर क्या क्या होगा पता नहीं। अब आपको एंजियोग्राफी कर दी गई या फिर आपने सीटी एंजियोग्राफी करा ली और वहां पे निकल गई। अब आप, हाँ यहाँ पे असली खेल होता है कि डॉक्टर ने बोल दिया एंजियोग्राफी करेंगे, तो आपने सोचा कि यार मैं आजकल डॉक्टर कालरा बोलते हैं कि सीटी एंजियोग्राफी करा लूँ तो मैं वो क्यों ना पहले करा के देख लूँ। अब आपने सीटी एंजियोग्राफी करा ली तो वहाँ पे निकल आई ब्लॉकेज, एक नस आपकी, आज का ये पेशेंट है, आज एक पेशेंट आया जिसकी 90% ब्लॉकेज थी एक नस में, बाकी में कुछ खास नहीं थी। और या फिर आपने इन्वेजिव एंजियोग्राफी कराई जो तार डाल के कराते हैं, तो वहाँ पे ब्लॉकेज निकल आई और डॉक्टर ने बोला जी अभी हमें तो स्टेंट डालना पड़ेगा और आपने कर दिया मना, ब्लॉकेज निकल आई 90% से ऊपर, ब्लॉकेज निकल आई और आपने कर दिया मना, है ना। और दूसरा केस ये हो सकता है कि ब्लॉकेज 70% निकल आई या 50% निकल आई, फिर भी आपका डॉक्टर कह रहा है मैं स्टेंट डालूंगा, 70% है जी आपको डलवाना पड़ेगा जी। लेकिन अब आपके मन में ये बात आ गई कि भाई मैंने तो डलवाना नहीं या मैंने सर्जरी नहीं करानी, ठीक है। और उधर सीटी एंजियोग्राफी में भी रिपोर्ट आ गई कि 90% ब्लॉकेज है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एडवाइस किया भाई स्टेंट डालना पड़ेगा, आपने कहा नहीं जी मैं तो नहीं डलवाऊंगा, या तीनों नाड़ियां बंद निकल आई, आपने डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया बाईपास सर्जरी कराओ। एक तो ये केस हो गया कि जहां पे निकल आई, और दूसरे में ये है कि जहां पे प्रॉपर निकली नहीं है अभी, लेकिन डॉक्टर फिर भी आपको इंसिस्ट कर रहा है कि कुछ कराना पड़ेगा। तो दो चीजें हो गई कि एक में सच में निकल आई और एक में सच में कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी डॉक्टर आपको कह रहा है, जिद पे अड़ा हुआ है। अब आप जाते हो दूसरे डॉक्टर के पास या, है ना, कि अब आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से बात करते हो यार, दोस्तों से बात करते हो, तो वो बोलते हैं यार स्टंट में तो फिर स्टंट डाल दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, स्टंट के साइड इफेक्ट हैं, कोई गारंटी नहीं है, बाईपास सर्जरी तो बहुत बड़ा सर्जरी है, फलाना है ढिमका है, आप भी डर जाते हो। अब इस डर का फायदा कौन उठाता है? डर का फायदा उठाता है डर को दूर करने वाला, वो सिर्फ डर का दूर करने का एक नाटक कर रहा है आपको, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा है। मैं बात कर रहा हूं ईईसीपी थेरेपी की, ईईसी थेरेपी यानी कि नेचुरल बाईपास, एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, जो आपकी टांगों में एक मशीन के साथ एक कफ बांध दिया जाता है और ऐसे एक्सरसाइज कराई जाती है, हार्ट को हम खून का दौरा बढ़ा रहे हैं, फलाना है ढिमका है, इस तरह के सेंटर पूरे हिंदुस्तान में खुले हुए हैं, कई लोगों ने खोल रखे हैं, ठीक है। इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं। अब आपको किसी ने बोल दिया कि जी एक बार उनको जाके मिल लो और आप चले गए। आज मैं यहीं पे बताने जा रहा हूं उस दिल्ली के ठग के बारे में, रीजन बताऊंगा ठग क्यों बोल रहा हूं। दिल्ली में भी उनके सेंटर हैं इन डॉक्टर साहब के, काफी सारे सेंटर दिल्ली में हैं, बाहर भी हैं, इंडिया में भी हैं, पूरा एक चेन है। सबसे पहले मैं इन डॉक्टर साहब की डिग्री के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये अपने नाम के आगे, ये सोशल मीडिया पे भी बहुत फेमस हैं, यूट्यूब पे भी बहुत फेमस हैं। सबसे पहली चीज़, डॉक्टर साहब अपनी डिग्री बताइए। आज मैं सामने सामने बोल रहा हूँ इन डॉक्टर साहब को, अपनी डिग्री बताइए। आप अपने नाम के आगे कार्डियोलॉजिस्ट कैसे लिख सकते हैं जब NMC की गाइडलाइंस हैं कि
कि आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट लिखने के लिए एक सर्टेन डिग्री होनी चाहिए, आपके पास MBBS की डिग्री है, उसके बाद MD मेडिसिन करनी होती है या DNB मेडिसिन करनी होती है, उसके बाद जाके आप तीसरी डिग्री में कार्डियोलॉजिस्ट बनते हो। आपके पास तो पहली CD के बाद ही दूसरी CD गायब है, आप तो MBBS के बाद MD मेडिसिन या DNB मेडिसिन भी नहीं हो, तीसरी CD तक तो पहुँचना बहुत दूर की बात है, आपके पास तो डिग्री नहीं है। आप अपने नाम के आगे कैसे कार्डियोलॉजिस्ट लिख रहे हो बताइए। हिंदुस्तान है, जिसने लिख दिया लिख दिया। आप क्या कभी जाके डॉक्टर से पूछते हो कि भाई आप कार्डियोलॉजिस्ट हो या नहीं हो, आपकी डिग्रियां क्या हैं? एक पढ़ा लिखा जो इंसान होगा वो तो फिर भी एक बार चेक कर लेगा, लेकिन एक आम आदमी को नहीं पता। और जब आप एक एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब आप सफल हो जाते हैं, फिर तो कोई भी नहीं पूछता। और आप चलिए आप ECP कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ECP के बारे में बड़े सारे हैं जी, कोई ECP वाला कहेगा जी मैं तो क्योर कर दूंगा, ठीक कर दूंगा आपकी बिना खोले हुए नस। पहली चीज़ तो कोई गारंटी नहीं है, इनकी डिग्री के ऊपर तो मैं बता दिया कि इनके पास डिग्री नहीं है, कोई MD मेडिसिन की डिग्री नहीं है, DNB मेडिसिन नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट तो बहुत दूर दूर तक की बन, लेकिन फिर भी कार्डियोलॉजिस्ट बने हुए हैं, क्योंकि जिस जमाने में बने होंगे लिखा होगा उसमें कोई पूछता नहीं था। आज सोशल मीडिया का जमाना है, अवेयरनेस सबको है, तो पहली चीज़ तो इनके पास डिग्री नहीं है। दूसरा, अब इन्होंने इतने सारी ब्रांचेस खोल दी, हो सकता कहीं एक दो डिग्री वाले भी बिठा दियो, जैसे कि अपना हिम्स वालों ने करा हुआ है कि दो चार डिग्री वाले बिठा दो अपने अंडर में, तो काम चलता रहता है। उनके पास नहीं डिग्री है तो क्या हुआ, नीचे तो होगी एक दो के पास किसी के पास डिग्री शायद, लेकिन इतनी चेन बिठा देना, वहाँ पर डिग्रियों वाले डॉक्टर बिठाना, मुझे नहीं लगता कोई इनके अंडर में कोई DM कार्डियोलॉजिस्ट काम करता होगा, मुझे नहीं लगता, या DNB कार्डियोलॉजिस्ट कोई काम करता होगा, मुझे नहीं लगता। पहले इन लोगों, मैं तो इनसे सवाल है कि आपके पास कार्डियोलॉजी की डिग्री है तो बताइए, नहीं है तो आप लिखना बंद करिए, लोगों का बेवकूफ बनाना बंद करिए। दूसरी चीज़, ये जो आप कहते हैं 95% ब्लॉकेज को हम खोल देंगे, गारंटी आप देते हैं, कोई गारंटी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक सिंगल पेशेंट दिखा दें जिसकी 99% ब्लॉकेज 95% ब्लॉकेज को इन्होंने बिल्कुल खोल दिया हो। सर दोबारा CT एंजियोग्राफी करा के 5-10% का फर्क दिखाना ये सब बकवास है, क्योंकि CT एंजियोग्राफी में भी 10-15% 20% का फर्क आ सकता है, ये सब यूजलेस बातें हैं कि देखो जी हमने इनका चमत्कार कर दिया, हमने इनकी नस खोल दी, पहले से ब्लॉकेज कम हो गई। और तो तुम वैसे ही किसी को बोल दो अपने ही सेटिंग करके कि भाई थोड़ी कम कर देना, थोड़ी ज़्यादा कर देना, हो जाएगा काम, उसमें क्या। सिंपल सा फंडा है, कायदे से इन्वेजिव एंजियोग्राफी ही 100% एक्यूरेट होती है, लेकिन वहां पे भी वही मुसीबतें हैं कि आपका डॉक्टर आपको क्या कर दे, डर है ना, डर, इसी डर का सब फायदा उठा रहे हैं। किसको कर ECP के बारे में ये बोला जाता है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एंजियोप्लास्टी का, स्टंट का, ना ही बाईपास सर्जरी का, ये सिर्फ उनके लिए है, कहते हैं जिसका कोई नहीं है, मतलब आपकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी पहले, उसके बाद दोबारा प्रॉब्लम हो गई, बाईपास सर्जरी भी हो गई, या डॉक्टर ने मना कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, दवाइयों पे रहना है, अब आपको अनस्टेबल एंजाइना हो रहा है बार बार, तो अब आपको लगता है यार चलो एक बार यहाँ भी ट्राई मार लें, ये सिर्फ सबसे लास्ट रिसोर्स है, ये उसका, मेरे अभी कई पेशेंट की डेथ हो चुकी है जो इनके पास ट्रीटमेंट करा रहे थे सिर्फ इस सोच के कि हमारी, डॉक्टर ने बोला हुआ था बाईपास सर्जरी कराओ, लेकिन ये वहाँ जाके अपना ECP थेरेपी करा रहे थे, इसी दौरान उनकी डेथ हो गई, ऐसे कई पेशेंट हैं। मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप तभी जाएं जब सब लोग हाथ खड़ा कर दें जी आपका कुछ नहीं हो सकता, तब, ये तभी है, इसका इंडिकेशन यही है कि जब कुछ नहीं हो सकता तब चले जाओ, लेकिन इसकी गारंटी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जहाँ पे जब तक आप कराते हो थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा लगता है, उसके एक साथ आपकी ब्लॉकेज नहीं ठीक हो सकती, ये बात गारंटी है, इसमें ब्लॉकेज नहीं खुल सकती, ये है। कोलेटरल डेवलप हो जाते होंगे थोड़े बहुत किसी के, तो बात अलग है, वो तो वैसे भी हो जाते हैं, आप एक्सरसाइज करो, आप हार्ट वाले पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करना बंद मत करो अगर आप चाहते हो कि आप फिट रहो, तो कोलेटरल ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं कराया, उनकी ब्लॉकेज पड़ी हुई है और 20 साल हो गए कुछ भी नहीं हुआ, तो उनके कोलेटरल अपने आप बन गए। तो कोलेटरल्स का मतलब कि शाखाएं बन जाती हैं जहां से ब्लड सर्कुलेशन अपने आप चलता रहता है, ये किसकी बनेंगी किसकी नहीं बनेंगी सब भगवान भरोसे है। ईसी थेरेपी भी एक भगवान भरोसे का ट्रीटमेंट है, आप 1,40,000 का पैकेज देते हैं, 1,40,000 का। अभी मेरे पास पेशेंट होके गया जिसकी एंजियोप्लास्टी जनकपुरी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर्फ 20-25,000 रुपये में हो जाएगी, एक स्टेंट डलना है और वो ठीक हो जाएगा, जिसको इन्होंने बोल दिया 1,40,000 रुपये लगेगा ईसी थेरेपी का, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि ये लिख के नहीं देंगे कि हम गारंटी देते हैं,
आप कहोगे सर गारंटी तो एंजियोप्लास्टिक भी नहीं है। सर गारंटी की बात नहीं है, बात सही ट्रीटमेंट की है। सही ट्रीटमेंट क्या है? बात राइट और रॉन्ग ट्रीटमेंट की है, सही ट्रीटमेंट की है। सक्सेस रेट सबके अलग अलग हैं, लेकिन सही ट्रीटमेंट क्या है सबसे जरूरी है। ये साइंटिफिकली प्रूव ट्रीटमेंट क्या है वो जरूरी है। इनकी तो डिग्री गायब है। मैंने सबको ही बता दिया। अब आप पूछोगे सर नाम तो बता दीजिएगा। नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा। इनके नाम, सेंटर का नाम एस से शुरू होता है, बस इतना ही बता सकता हूँ। बाकी अब आप जाके खुद तलाश करिए और पूछिए सर आपकी डिग्री क्या है। पूछिए क्या ये सच नहीं है कि इनके पास ये जो MBBS MD लिखते हैं, ये MD किस सब्जेक्ट में डिग्री है बताइए ना। धंधा बना रखा है सबने मिलके यहाँ पे, और लोग डर के मारे जाते हैं कि हमें स्टंट ना डलवाना पड़े, हमें सर्जरी ना करानी पड़े। होता क्या उसके बाद? उसके बाद होता क्या है? किसी ने सोचा कि उसके बाद हुआ क्या? यहाँ पे दो चार उनके बंधुआ आके मीडिया वाले बोल देंगे जी हम तो ठीक हो गए। सर हमें पता है, मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं। जिस दिन कहेंगे सामने आ जाऊंगा और इनसे भी पूछूंगा कि सामने आए। कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी ब्लॉकेज ही नहीं है, उनको भी बोल देते हैं आपकी बाईपास, आपकी ब्लॉकेज हम साफ कर देंगे। अरे ब्लॉकेज ही नहीं है, पहले कानपुर के ठग को मैंने आपको दिखाया था, ये दिल्ली का ठग है। आज साफ साफ सामने बोल रहा हूं, ये दिल्ली का ठग है। बच के रहिए ऐसे दिल्ली के ठगों से। ऐसे दिल्ली में बहुत सारे ठग बैठे हुए हैं। दिल्ली के ठग पहले से मशहूर थे, लेकिन ये हैं दिल के ठग। एक मजबूर इंसान जो बेचारा वैसे ही डरा हुआ है, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ होता ही नहीं है, वो ऐसे चले जाते हैं जिनको सालों कुछ है ही नहीं बेचारों को। अबे तो क्यों जा रहा है, तुझे कुछ है ही नहीं, लेकिन वहां पे भी बोल देते हैं हम आपकी नस खोल देंगे। अबे ब्लॉकेज ही नहीं है, खोलेगा क्या? ऐसे कई पेशेंट मेरे पास आए जिनको इन्होंने बोला कि हम आपकी नस खोल देंगे, वहां कुछ था ही नहीं। खोलोगे क्या? चलिए थैंक यू वेरी मच, और इसके बाद कोई कोर्ट केस हो जाए, कोई मेरे पास नोटिस आ जाए, तो मुझे डर नहीं लगता है किसी से, क्योंकि मुझे लगता है कि नवनीत काला 55 साल की उम्र हो गई है, अब काम है देश में क्रांति लाने का। और मेडिकल क्रांति मंच नाम का मेरा एक मंच है, जिसमें जुड़िए। 9810416762 मेरा नंबर है, वहाँ पे जुड़िए मेडिकल क्रांति मंच से, और वहाँ पे नए नए घोटाले उजागर किए जाते हैं, और आगे चल के बहुत बड़ा मंच बनने वाला है। बने रहिए। थैंक यू, बाय।